अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट में, जिसका एड्रेस है मेन सुपर हाईवे सोराबगोट से तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर लेफ्ट हैंड साइड पर जमाली पुल से पहले ये रेस्टोरेंट मौजूद है। गाइस, यहाँ की कढ़ाई, यहाँ की हांडी बहुत ज्यादा मशहूर है और आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ से सिखाएंगे कि खैबर शिनवारी की स्पेशल हांडी यहाँ पर किस तरह से तैयार की जाती है, जिसे खाने लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। तो चले इस बहुत ही जबरदस्त किस्म की खैबर शिनवारी की स्पेशल हांडी की रेसिपी को हम सीखते हैं। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वक्त पर। दो टेबल स्पून तेल डालना है इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 200 ग्राम चिकन ऐड कर देगा बोनलेस, 6 पीस के लिए 6 पीस है, 200 ग्राम चिकन है बोनलेस। अदरक लहसुन के पेस्ट एक खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इसको ज्यादा कुकिंग नहीं करना है, अगर ज्यादा कुकिंग करोगे तो ये हार्ड हो जाता है। ज्यादा कुकिंग नहीं करना है, इसको नहीं करना है बिल्कुल, हल्का फुल्का जो है ये ब्राउन हो गया। ये इसमें क्या क्या शामिल है? ये व्हाइट पेपर है 1 टेबल स्पून, व्हाइट पेपर 1 टेबल स्पून, अजवाइन है 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, हाँ, और ये 1 टेबल स्पून जो है ना सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, हाँ कोरिएंडर सीड्स है, और ये है जायफल जावित्री, बिल्कुल एक चुटकी डालनी है इसके अंदर, जायफल जावित्री एक चुटकी डालनी है, एक चुटकी है ये, बिल्कुल एक चुटकी है ये। 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक किया था, 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। जो मसाले हमने डाले हैं ये मसाले हम डाल देते हैं, मगन आ जाए इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क का एक दूध, मिल्क इसके अंदर ऐड करना है, ये 1/2 कप होगा, 2 कप ये 2 कप है, 2 कप ऑफ मिल्क, नमक जो है सब, सॉल्ट जो है ना सबसे आखिर में इस्तेमाल करना है, दरमियान में इस्तेमाल करना है, सॉल्ट दरमियान में ऐड करना है, अगर दरमियान में इस्तेमाल नहीं करोगे दूध पड़ जाएगा। सॉल्ट इसमें ऐड करना है अब जाके, यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट आप हमेशा इस पर टेस्ट ही ऐड करें। तीन मिनट के लिए इनको दम पे लगाना है, 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगाना है, दम पे लगाना है। इसकी हम शामिल करेंगे 7 अदद की जो है ना शिमला मिर्ची, ग्रीन कैप्सिकम, कैप्सिकम ये डाल दिए, और ऑनियन जो है ये ऑनियन ये भी कम से कम छोटा सा पीस हो, उसको बीच में 2 करना है, वो डाल हाफ ऑनियन, हाँ हाफ ऑनियन।
मिल्क पैक क्रीम ऐड करना है इसमें और ये 3-4 टेबल स्पून होगा। इनको अभी इतना बुनाई करना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा, जब तक ऑयल ना छोड़े इसकी बुनाई करते रहना है। और ये स्पेशल हांडी है खैबर शिनवारी, ये खैबर शिनवारी की स्पेशल हांडी है। हल्के आंच में इसको पकाना है, हल्के आंच में पकाना है। अगर हल्के आंच में नहीं, क्योंकि इसमें दूध है तो कम से कम ये नीचे लगेगा। अच्छा, लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। तेल देखना, ये तेल छोड़ दिया, अभी ये पकने पे आ गया। तेल जैसे ही छोड़ दिया इसका मतलब ये पकने पर आ गया, पकने पर आ गया। सही है ना, ये हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई। बिल्कुल मुकम्मल हो गई। अब इनको हम हांडी में सर्व करेंगे, हांडी में सर्व करेंगे। अभी हम दिखाएंगे किस तरह सर्व करना है। अच्छा सही है। इसकी गार्निशिंग किस तरह होगी, हम आपको चूल्हा बंद कर देंगे। सही है ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी इसके अंदर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून देसी घी। ये देसी घी आ गया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्लाइस मोजरेला चीज। मोजरेला चीज ऐड करना, स्लाइस। ये स्लाइस मोजरेला चीज ऐड कर दी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये वो है क्या नाम, मलाई है। मलाई इसके अंदर ऐड करना, मलाई है, इसको हमने पकाया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। ये बिल्कुल मलाई हमने ऐसी बनाई जैसे खोया बनता है ना, इस तरह हमने बनाई है। हमने इसके ऊपर डाल दिए जिंजर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। हमने इसके ऊपर डाल दिए हरा धनिया। हल्की सी इस कढ़ाई को, ये हंडी को हमने गर्म करना है, हल्के से हंडी को इसको गर्म करना है, गर्म करना है ताकि गर्म गर्म किसी के पास खाना का आ जाए तो मजा आ जाए। इसके ऊपर हमने जो है इसको ऊपर